हम जुमागंज से, देखिए सर हमारे जो जुमागंज के बीमार हम कैसे इनको लेके जाते हैं रामा शेर सर। सर हम डी साहब से, गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं कम से कम हमारे जुमागंज में 8 से 10 बेड वाला अस्पताल होना चाहिए और उसमें एक लेडीज डॉक्टर होना चाहिए। हमारे जुमागंज बिल्कुल नहीं अस्पताल है नहीं, हमारे जुमागंज कोई लेडीज डॉक्टर नहीं। देखिए सर ऐसे बहुत पेशेंट हमारे जुमागंज में जिनको हमने सुबह 6 बजे से निकाला, अभी 5:30 बजे हम टॉप पे नहीं पहुँचे। ऐसे बीमार कहाँ कुपवाड़ा में पहुँच जाएंगे सर पैदल। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से और डीसी कुपवाड़ा से, गवर्नर से, हमारे जुमागंज में एक हॉस्पिटल होनी चाहिए 10 से 12 बेड वाला अस्पताल और उसमें एक लेडीज डॉक्टर होनी चाहिए सर। देखिए सर हम जुमागंज से हैं, हमारे जुमागंज का रास्ता है सर 6 महीने से सर हमारे जुमागंज की जो रोड है ये बंद है सर। ये देखो सर हमारे बीमार जो हैं, हम सुबह 6 बजे घर से निकले, अभी 5:30 बजने वाले हैं, हम पूताखान टॉप पे नहीं पहुंचे सर। जो ठेकेदार यहाँ रोड का, उसने मशीन लगाई है, वो 12 से 1 बजे मशीन उनकी यहाँ काम पे लगती है, वो 2:30 या 3 बजे वो वापस हो जाती है। 1 घंटे में मशीन वाला क्या काम करेगा? अगर गवर्नमेंट चाहे डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डीसी साहब से हम अपील करते हैं 1 हफ्ते में हमारे जुमागंज का जो रास्ता है ये खोल दिया जाए। जो हमारे जुमागंज के बीमार हैं इनको थोड़ा जो मुश्किल इनकी है वो हल होनी चाहिए, इनको जुमागंज से कुपवाड़ा पहुंचाने में आसान हो जाए। ये देखिए सर हम ऐसे पेशेंट को कैसे चलते हैं। ये देखिए सर ये सुबह 6 बजे से हम घर से निकले, 5:30 बजे वाले अभी टॉप पे नहीं पहुँचे सर।